पप्पू आप ये फ्रूट्स खाइए, एनर्जी मिलेगी। बड़ी बेजार हो गई मैं तो। छुट्टी कब मिलेगी? ये मेरा नंबर है, रख लो, जब दिल करे मुझे कॉल कर लेना, इंतजार करूंगा। क्या सोच रही हो? मैं क्या सोचूंगी? क्या बात है, तुम बड़ी खामोश रहने लगी हो। बात किया करो, बोला करो बेटा। पप्पो आपके लिए ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, आप आराम करें और ये फ्रूट्स खाएं। नहीं, दिल नहीं चाह रहा बस मेरा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा शहजादा, कब से राह देख रही थी बेटा तुम्हारी। आप ये बताएं कि तबीयत कैसी है आपकी? अब तंग आ गई हूँ मैं, छुट्टी कब मिलेगी बेटा? छुट्टी तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप अपना ख्याल नहीं रखती ना, इसीलिए आप यहाँ पहुंच गई। और वैसे भी अम्मी कल रात को ही तो आपका एडमिट करवाया। निम्रा, तुम कहाँ जा रही हो? आप पप्पू के साथ बैठे, मैं बाहर बैठी हुई हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया था। खाना? तुमने पकाया खाना? नहीं, मुझे कहाँ आता है खाना बनाना, वो तो मैं रेस्टोरेंट गया था वहाँ से लिया है। अब निम्रा खाना गर्म है, निकालो, दोनों खा लेते हैं। तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। झूठ। झूठ नहीं, सच। तुम्हें भी पूरा यकीन था ना कि मैं तुम्हारी कॉल के इंतजार में होऊंगा। मुझे पता है कि मेरी फीलिंग एकतरफा नहीं है। इमरा, तुम भी मेरी तरह मोहब्बत की साथ में चल रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी खुशफहमी है। मैंने आपको इसलिए फोन किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं अपने फियांसे के साथ बहुत खुश हूं और जल्द हमारी शादी होने वाली है, तो प्लीज आइंदा मेरे पीछे मत आइएगा। इमरा, मैंने तुमसे मांगा ही क्या, बस तुम्हें चाहना मेरी मजबूरी है, प्लीज इससे मुझे मत रोको। यम्मी का फोन मुसलसल बिजी क्यों जा रहा है? बस और भी बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, जो शायद शायद अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ।